हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने। अरे चेयर कहाँ गई, चेयर कहाँ गई। ओ दोस्तों, आज हमें करनी है अनबॉक्सिंग इन्फ्लेटेबल बीनलेस चेयर की, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने इस इंटेक्स की बीनलेस चेयर की। तो ये एक इन्फ्लेटेबल चेयर है जो कि आपको इस पैकेजिंग के अंदर मिलती है। हमें इसके अंदर हवा भरनी होती है। तो अगर हम सबसे पहले इसके बात करते हैं बॉक्स की, तो बॉक्स के ऊपर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस टाइप की चेयर हमें अंदर मिलने वाली है। एंड इसके अंदर माइक्रोफाइबर का कुछ दिखाया हुआ है कि इसमें जो लोअर एंड है वो एक विनाइल का है, मोटी वो है, मींस लेयर है उसकी, जो कि आसानी से नहीं पंचर हो सकती है। एंड इसकी बात करें, इसके अंदर इसका साइज़ दिखाया हुआ है विच इज़ 1.22 मीटर इंटू 1.27 मीटर इंटू 81 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा साइज़ है उस हिसाब से। तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, होपफुली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो। तो अब हम, ये एक इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट है, अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे इसको ओपन करने के लिए तो ये लीक अभी से हो सकता है। तो हम नाइफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने नेल का यूज़ करेंगे इसको यहाँ से टेप हटाने के लिए। तो चलिए हम टेप हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी टेप हटा दी है। ये बॉक्स में हमारे को मिलती है हमारी बीनलेस चेयर, जो कि इन्फ्लेटेबल बीनलेस चेयर है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मेक श्योर जहाँ पे आप इसको इन्फ्लेट कर रहे हो वो एक कारपेट एरिया हो, या अगर वो सॉलिड एरिया भी है, फर्श भी है, तो वो एकदम साफ़ हो जिससे कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट इसमें ना जाए। खासकर ये है तो इन्फ्लेटेबल, जब टायरों की ट्यूब पंचर हो सकती हैं तो आप समझ सकते हो। तो अब हम इसको निकालते हैं। बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, तो हम रखते हैं बॉक्स को साइड में। तो फ्रेंड्स, हमने रख दिया है बॉक्स इसका साइड में। अब मैं बैठ जाता हूँ आराम से, जिससे आपको डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बता सकूँ। तो ये मैं बैठ गया अल्टी पल्टी मार के। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे को ये मिलती है चेयर, जो कि एक पर्पल कलर की है। आपने भी इन्फ्लेटेबल चीज़ें यूज़ करी होंगी, जैसे कि बच्चों की चेयर होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक मटेरियल होता है। लेकिन इसके ऊपर जैसे कि मैं अभी हाथ से फील कर पा रहा हूँ, तो ये एक वेलवेट फिनिश है, जैसे वेलवेट सोफ़ास होते हैं उस टाइप की ये फिनिश दे रही है। मेरे को अभी इसको छू के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी मैं इन्फ्लेटेबल चीज़ या प्लास्टिक की चीज़ छू रहा हूँ। इसके साथ हमारे को मिलता है एक पैच, जो कि इसका है लगाने वाला पैच अगर कहीं से पंचर हो जाए। एंड इसके साथ मिलता है हमारे को एक मैनुअल, जो कि ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे को हवा भरनी है। तो ये है फर्नीचर बीनलेस बैग, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो ये हमने रख दिया गमले में, बायोडिग्रेडेबल है तो ये यूज़ नहीं करना हमें, तो ये डिग्रेड हो जाएगा। अब मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये इसका लोअर एंड है एंड ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि ये कोई प्लास्टिक हो या कोई ऐसा प्लास्टिक वाला मटेरियल या पॉलीथिन टाइप का हो। ये मैं मटेरियल अगर आपको बताऊं नीचे वाला, तो ये आप रिवर राफ्टिंग बोट्स में अगर आप बैठे होंगे तो उसका जो मटेरियल होता है ये नीचे वाला सॉलिड मटेरियल उसका है। अगर आप प्लास्टिक का फर्नीचर यूज़ करते हैं जो इन्फ्लेटेबल बच्चों का आता है, उसमें अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो भी लीकेज होने का चांसेस है। लेकिन मैं इसमें कर रहा हूँ तो ये बहुत सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर एज सच कुछ भी मेरे को लग नहीं रहा ना निशान पड़ रहे, बहुत सॉलिड मटेरियल है। एंड ऊपर की बात करें इसके, इस चीज़ की, तो ये है वेलवेट। वेलवेट यानी कि ये क्लॉथ की फीलिंग दे रहा है हमें। तो जहाँ तक है, अगर हम इसको इन्फ्लेट करेंगे, इस पर बैठेंगे, तो ये ऐसा शो करेगा कि हम एक ओरिजिनल एक सोफ़ा पे ही बैठे हैं। तो जल्दी से मैं ले आता हूँ इसका एयर पंप और इसको इन्फ्लेट करते हैं। बॉक्स के अंदर एयर पंप नहीं आता, मैंने सेपरेटली परचेज़ किया है उसे। तो हम इसको कर देते हैं उल्टा और इसका देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर इन्फ्लेट करनी है हवा। तो एक नोज़ल ये रहा, तीसरा नोज़ल ये रहा, चौथा नोज़ल यहाँ पर है, दूसरा नोज़ल कहाँ है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। फ्रेंड्स, दूसरा ये रहा। तो इतने सारे नोज़ल्स, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो इतने सारे नोज़ल्स, इसमें ये
चीज़ के लिए थे कि जब आप इस पर बैठो तो आपको वो बैलेंस कर सके, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस रख सके, आप इससे अगर सो भी जाओ तो आप गिरो ना। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ अपना एयर पंप और इसमें करता हूँ एयर इन्फ्लेट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ा सा इसको इन्फ्लेट किया है जिससे कि क्या है कि एक बेसिक पोजीशन में आ जाए और इसके अंदर के जो भी ये एयर टाइटली चुपके हुए हैं वो थोड़े खुल जाएं। अब हम इसके अंदर इन्फ्लेट करेंगे एयर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो वन नंबर लिखा हुआ है हम उसके अंदर एयर इन्फ्लेट करेंगे, उसके बाद टू नंबर में, फिर थ्री नंबर में, एंड लास्ट में फिर जिस कंपार्टमेंट में हमने हवा भरी है उसको हम फुली इन्फ्लेट कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसमें हवा भरना। फ्रेंड्स, हमने भर लिए इसके अंदर हवा, अब हम इसको करते हैं सीधा और इस पर बैठ के देखते हैं कि ये लगती कैसी है, फील कैसे दिलाती है। तो चलिए इसको हम सीधा कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें भर ली है हवा और जैसा कि आप देख सकते हो ये कैसा लुक एंड फील दे रही है, मींस कैसी लग रही है। अभी तक मैं इस पर बैठा नहीं हूँ, अब आपके सामने मैं इस पर बैठूंगा और देखूंगा कि कितना कंफर्ट लेवल ये फील कराती है एज़ कम्पेयर टू सोफ़ा। हमने इसके अंदर वही चारों सेक्शन के अंदर हवा भरी है तो अभी ऐसे आ रही है। अब जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ, जो हमने सबसे सेकंड वाला सेक्शन भरा था वो ये रहा लेग्स की सपोर्ट के लिए, एंड ये साइड में सपोर्ट के लिए उसमें इन्फ्लेट हुई है हवा। अब मैं इस पर बैठ के देखता हूँ, तो मैं अपने माइक हटा देता हूँ जो कि मेरे पीछे पॉकेट में रखा है, वो मैं हाथ में ले लेता हूँ और इस पर मैं बैठ के देखता हूँ कि कैसी है। वाओ, फ्रेंड्स, अगर आपके घर में प्ले स्टेशन है या आपके घर में बहुत बड़ा होम थिएटर है जहाँ पे बैठ के आप रिलैक्स करके मूवी देखना चाहते हो एकदम पूरा स्नैक्स के साथ, तो ये सबसे बढ़िया चेयर है जो आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो कंफर्ट लेवल है, मींस अगर मैं कंपेयर करूँ आपसे सोफ़े की, जो उसके अंदर कॉटन होती है या जो फ्लफ़ी मटेरियल भरा हुआ होता है, उससे ज़्यादा फ्लफ़ी ये वाला मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर आप हवा पे बैठे हुए हो एंड आप जैसे चाहो इसको वैसे मोल्ड कर सकते हो, आपकी बॉडी शेप के हिसाब से ये मोल्ड हो रही है। एंड कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो मेरी जो थाइज़ है इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से, तो जैसे कि हम सोफ़े में बैठते हैं वो सिर्फ यहीं तक ही होता है, लेकिन इसमें मैं आप देख सकते हो इंक्लाइंड हूँ, एक तरीके से मैं आधा लेटा हुआ हूँ और इसके अंदर मेरी थाइस को सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है एंड हाथ मेरे यहाँ पे रिलैक्सिंग है। अगर आप जैसे कि जानते हो कोविड चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसके अंदर अगर आप लैपटॉप लेके काम करते हो, बिस्तर पे बैठ के काम करते हो, तो आपकी बैकबोन में दर्द होता है, लेकिन ये रिलैक्सिंग टेबल है, यहाँ पे आप लैपटॉप रख के आराम से काम भी कर सकते हैं।
एंड ओवरऑल इसकी मैं बात करूँ, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ पे बैठा हूँ जो कि एक प्लास्टिक की है या विनाइल की है, क्योंकि इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो एक फैब्रिक चढ़ा हुआ है जो कि मेरे को पूरा लुक एंड फील दे रहा है कि मैं किसी सोफ़ा पे ही बैठा हूँ या किसी बीन बैग पे बैठा हुआ हूँ बड़े, जो कि बहुत रिलैक्सिंग है। ओ भाई मेरे को भी बैठना है, भाई बैठने देना। मैंने फुलाई है, मैंने फुलाई है, मैंने बैठने देना। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैं इसकी वोट लगा के आता हूँ। ओए हटो, ओए हटो, ओए हटो।